समाज सेवी मोटिवेशनल स्पीकर तिरंगा अभियान के सक्रिय छत्रपति शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल के संस्थापक और संचालक मुकेश शाह ने कोरोना पर भेजा अपना संदेश, आइए सुनते हैं उनका संदेश। प्रिय नागरिकों, आप सभी को जय हिंद। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज हमारा पूरा विश्व, साथ में हमारा देश कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है और इस संकट की घड़ी में हम सभी लॉकडाउन के द्वारा अपने अपने घरों में हम बंद हो चुके हैं। लेकिन यह भी एक प्रकार से देश की सेवा है। देश में आई इस आपदा, इस संकट की घड़ी में हम सभी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लॉकडाउन का न केवल समर्थन करते हैं, बल्कि हमें आप सबसे अपील भी करते हैं कि आज इस संकट की घड़ी में हम उन लोगों के लिए दुआ करें जो इस संक्रमण से पीड़ित हैं, जिनका इलाज चल रहा है और साथ ही साथ वे इस गंभीर बीमारी से लड़ते हुए अपने आप को बचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन चिकित्सकों, नर्सों और इस व्यवस्था में सहयोग करने वाले पुलिस प्रशासन, मीडिया, आप सभी को उनके इस महान अभियान में सहयोग करने के लिए, दिन रात एक करने के लिए, अपनी भागीदारी निभाने के लिए बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। निश्चित रूप से ये एक ऐसा वर्ग है, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, पुलिस प्रशासन हो या फिर मीडिया बंधु हो, ये सभी अपने प्रयास में लगे हैं कि लोगों तक जानकारी पहुंचे, लोगों का सुविधा न हो और इस संक्रमण से पीड़ित लोगों का भरपूर और सही तरीके से इलाज किया जा सके। इस संकट की घड़ी में हम लोग घर में रहते हुए एक काम जरूर कर सकते हैं। हम प्रतिदिन अपनी जो पूजा पाठ करते हैं, अपनी धार्मिक पद्धति से जो कर्मकांड करते हैं, हम अपनी उस पूजा पाठ में, उस दुआ में, उस प्रार्थना में उन लोगों को शामिल करें जो इस संक्रमण से पीड़ित हैं। हम एक दुआ करें कि ईश्वर उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ करे, वे घर आ जाएं सकुशल। और साथ ही इस लॉकडाउन की स्थिति में हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जिनके पास इस वक्त खाने की स्थिति नहीं है या वे कुछ खरीदने में सक्षम नहीं है, उनके पास धन की कमी है, अर्थाभाव है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों के लिए हम जरूर सोचें, साथ में हम भरपूर कोशिश करें कि प्रशासन के माध्यम से इन लोगों को जो सुविधाएँ अन्न के माध्यम से देने दी जा रही है, उसमें हम भी तन मन धन से सहयोग करें। आप सबको वंदे मातरम।